भिवानी जिले के बरशी गांव के युवक बिट्टू आत्महत्या मामले में 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी शव नहीं लिया है और तनाव की स्थिति बनी हुई है। परिजनों और ग्रामीणों की मांग है कि आरोपी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद ही वह शव को लेकर उसका अंतिम संस्कार करेंगे। सैकड़ों की संख्या में बरसी गांव के ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से नागरिक अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी ना होने तक उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने बताया कि यदि कल तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो बरसी गाँव के साथ साथ लगते 9 गाँव के हजारों ग्रामीण नागरिक अस्पताल हिसार में धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि यदि प्रशासन उनकी मांग नहीं मांगता है तो वह उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। ग्रामीणों के अनुसार आगामी रणनीति के लिए एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो SP भिवानी से मिलने गई हुई है। आज पोस्टमार्टम को दूसरा दिन हो चुका है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो आरोपी राजवीर है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं लेंगे। आज हमारा पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, कल हमारे पूरा मजरा यहाँ पे इकट्ठा हुआ है जिसमें 9 गांव शामिल है। अगर कल को आज हो या कल कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम कल प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्ण दायरे में रह गए हम अपने कार्रवाई करते रहेंगे। जब तक शुभ नाम अजय, जब तक पुलिस गिरफ्तारी नहीं होगी, ये साबित बरसी गांव इकट्ठा हुआ है यहाँ पे, आगे की कार्रवाई बरसी के 9 गांव इकट्ठे होंगे शांतिपूर्ण तरीके से, अपने कानून का दायरे में रह के हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। क्या किसी तरीके का प्रशासन या पुलिस की तरफ से आपसे बातचीत का कोई पेशकश की गई? नहीं की गई सर, अभी कोई बात नहीं हुई है। कल डिप्टी साहब आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था लेकिन वो भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। तो यहाँ का जो स्टाफ है हॉस्पिटल का, उन लोगों ने अनुरोध किया आपके दर्जन? नहीं, अभी कोई अनुरोध नहीं किया उन्होंने भी प्रशासन की तरफ से कोई। क्या इसके लिए कोई समिति का गठन आपने? हाँ, 12 सदस्यीय एक कमेटी हमने गठित की है, वो अपने जो भी उपदेश देंगे। ये सारा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, ये साथ है। आपका नाम? मेरा नाम संदीप बोड़ा है जी। आपका नाम? मेरा नाम है सरपंच महेंद्र सिंह। हाँ, कमेटी का वही फैसला है जो कि उसकी गिरफ्तार नहीं हुई थी, कोई फैसला नहीं, हमने न्याय सुनी कि हमारी कमेटी का यही फैसला गिरफ्तार। क्या किसी तरीके के धरना प्रदर्शन या फिर उसको प्रशासन को जगाने के लिए कोई अन्य तरीका? नहीं नहीं जी, झगड़े से कोई फायदा नहीं है हमारा। जो 9 गांव फिर कल जो है ना, हम उनकी ताकत यूज करेंगे। अगर 9 गांव की हमारी ताकत नहीं चली फिर हमारा समाज रहा, हमारा लंबा चौड़ा से बोलेंगे। बात यह है, हम अपनी पूरी मतलब वो चाहिए कि हमने न्याय। तो डिमांड क्या है आप लोगों की? गिरफ्तारी, तीनों आरोपी हैं। हाँ, गिरफ्तारी। गिरफ्तारी की हिमालय क्यों? निर्दोष था, जाति पड़ताल में उसके माँ बाप के साथ, पिता के साथ। नाम आपका? मैं जोगीराम सन्नौ चौधरी, काशीराम गांव परसी जाटान। लिख लिया जी। ये बरसी गांव के दोनों पन्ने बरसी गुजरान बरसी जाटान यहाँ इकट्ठे हैं और हमारे लड़के के साथ जो बात बीतती है ये बिल्कुल सरासर गलत है। अभी हम कानून हाथ में नहीं ले रहे, सिर्फ बरसी बरसी गांव के आदमी इकट्ठे हो रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में 9 गांव इकट्ठे होंगे और अगर नुकसान किसी ने कर दिया तो हम जिम्मेवार नहीं होंगे। यह सारा प्रशासन जिम्मेवार होगा, या आके बात करने या मैं कुछ दिलासा दें। और जब तक इनके ऊपर केस नहीं बनेगा, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, तब तक हम धरने पर यहीं बैठे रहेंगे। सतीश कुमार नाम है जी, बताएं। ये मेरा गांव जी न्याय प्रिय गांव है, कानून के दायरे में रह कर के मल काम करने वाला वो गांव है। जब तक मेरे गांव को न्याय माने नहीं क्या मिलेगा, तब तक हमारे गांव का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गांव गांव का नहीं, हमारे बरसी मंदिर के 9 गांव, अगर इनसे बात नहीं बनेगी और भी जो गांव का गुहांड है वो कर उससे भी ज़्यादा, जब तक हमें न्याय नहीं माने मिलेगा हम कानून के दायरे में मैं कहना रह करके यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन जारी में रखेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।